हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। पांच सवाल सॉल्व करते हैं फटाफट से। 30 सेकंड हमारा सेशन है ब्रेमिक्स का, तो ठीक है। आपको बिफोर वी प्रोसीड, ये जहाज गया हमारा हवा में, और ये है फ्री कोर्सेज के बारे में आपको बताना कि जो प्रीलिम्स का कोर्स में अब आपको पता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो कौन सा है। आपको शायद पता है हिस्ट्री, ठीक है। तो इन्वायरमेंट चल रहा है वहाँ पे, पॉलिटी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है जीएस में, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, पॉलिटी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, पेपर के नज़दीक भी बढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स भी नज़दीक आ रहा है जो 2019 में अटेम्प्ट करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के सेशंस जारी हैं, प्रीलिम्स की हमने दोबारा वीडियो पोस्ट करना पड़ा, तो मेंस का वीडियो कल बैक टू बैक पोस्ट हो जाएंगे। एंड प्रीमिक्स आपके सामने क्विक रिविजन मेंस के लिए चल रही है, आपको उसका वीडियो भी मिल चुका है। एंड देन वीकली अफेयर सेशन कल, वीकली करंट अफेयर नॉट अफेयर। तो यहाँ पे CSAT की क्लास कल सुबह आ जाएगी आपके पास, बाकी जैसे लास्ट वीक EPW की थी, इस बार फ्रंटलाइन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बाकी सोशियोलॉजी जीएस मेंस के सवाल जवाब चलते रहेंगे, सोशो ऑप्शनल भी कर सकते हैं। पेड कोर्सेज जारी हैं वीडियो डिस्कशन के साथ तेसरी, जिसमें इस बार आएगा आपका मई का टेस्ट, ठीक है। मई 2018 के करंट अफेयर्स, उस पर बेस 100 सवाल आपके लिए वीडियो डिस्कशन वगैरह के साथ आएंगे वो। एंड देन मीन्स 2018 के लिए जीएस का क्रैश कोर्स है, और बहुत ज़्यादा इसमें इंटेंसिव डिस्कशंस किए हैं हमने क्वेश्चंस को लेके। बहुत जल्दी जल्दी आपका बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट सामान कवर करने की ट्राई है। सिमिलरली सोशियोलॉजी में क्रैश कोर्स में क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू डिस्कशन की ट्राई की है। और अगर यहाँ पर देखें तो ये पंछी को वापस बुलाना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो HCS का जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो इस वीकेंड शुरू करने के ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कोर्सेज पैरेलली चल रहे हैं, तो टीम की जो छोटी सी टीम है उसी की अटेंशन डिवाइडेड रहती है, तो इसीलिए ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट दें। SCA का इनिशिएटिव शुरू हो जाएगा इस वीकेंड, एंड देन पंजाब PCS का हमारा मेंस का बैच जारी है, वो चल रहा है। तो आप इसमें से जो भी बेस्ट, जो इतने बेस्ट हमारा जो अटेम्प्ट किया है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस दें, क्योंकि हमारी कुछ बैंडविड्थ की कीमत रहती है, उसी को हमें पूरा करने के लिए वी हैव टू चार्ज यू समथिंग। एंड सेकेंडली हमारे यहाँ पे जैसे टीचर्स वगैरह थोड़ी टीम बननी शुरू हो गई है, उसको मेंटेन करने के लिए वी नीड टू चार्ज यू। तो पेड कोर्सेज हैं, वैल्यू देने की ट्राई है, एक एक चीज में वैल्यू देने की ट्राई है आपको, ताकि बेस्ट आप घर बैठे पढ़ाई कर सके, ठीक है। एंड बाकी 8 और 9 सितंबर को दिल्ली में हमारा फुल लेंथ टेस्ट है। आपका कोई भाई बंधु हो तो 1000 रुपये में 4 टेस्ट हैं वो वाले, ठीक है। कहीं जहाँ पे नॉर्मली 1200-1300 में एक टेस्ट है, वहाँ पे 1000 में 4 टेस्ट हैं विद इवैल्यूएशन, ठीक है। तो आप वो मेंस के टेस्ट भी दिल्ली में अगर हैं आप, तो वहाँ पर आप भी दे सकते हैं, दोस्तों को बोल सकते हैं। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमारा जैसे पहला सवाल है, इट इज़ अबाउट TREDS, ट्रेड्स। ट्रेड्स न्यूज़ में है, तो आपने बताना है ट्रेड्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। पहला, ये हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट था, जिसमें जो पहली बार जो एंटरप्रेन्योर बने अपने परिवार में, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, जो उनको थोड़ा सा एक इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह के लिए मेंटरिंग की जाएगी, ओके। भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट था, ओके। देन ये एक ऐसा ट्रेड्स, एक ऐसी फैसिलिटी है ऑनलाइन, जहाँ पर MSMEs को जो ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कि उनके जो ट्रेड, जो उनके पैसे आने वाले होते हैं ट्रेड रिसीवेबल, उसमें जो पैसे, उसको फाइनेंस करने की फैसिलिटी है। जो भी है बेसिक अंडरलाइंग फैक्ट बात के, यहाँ पे MSMEs को यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनेंस कराने का तरीका ट्रेड्स, क्या ये यही आंसर है इसका। देन ऑप्शन सी, ये क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार का क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ कुछ प्रोजेक्ट, जो कि सर्विसेज को बहुत जल्दी डिलीवर करने के लिए कुछ, जो उसके लिए भारत सरकार काम कर रही है, उसमें हेल्प करेगा। एंड देन ये एक इन्वेस्टर की थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए एक ऐसा, एक यहाँ पे ओवरऑल पोर्टल बनाया गया, जहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें रिलेटेड टू वेरियस काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए वहाँ पर भारत सरकार आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल कराएगी। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन ट्रेड से जुड़ी हुई है। स्टैंडर्ड UPSC सवाल, इतनी सारी ऑप्शन सभी की सभी करेक्ट लगती हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चीज़ होती क्या है। तो सिर्फ यही क्या करना है, जानते रहना है, बहुत सारा कॉन्टेंट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, MSME से जुड़ा हुआ है ये सिस्टम है कि। एंड न्यूज में क्यों था, क्योंकि हमारी एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है HAL, ये पहली PSU बन गई है जिसने ट्रेड्स के थ्रू पेमेंट करी है, ट्रेड्स के थ्रू ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंस की है। बाकी जो आपको यहां पे ऑप्शन लगी हुई थी, जैसे ये वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाली ऑप्शन की जो मेंटरिंग करने की, उसको निर्यात बंधु, निर्यात उसको बोलते हैं एक्सपोर्टर को, उसको बंधु मतलब जो हेल्प करे, निर्यात बंधु स्कीम कहते हैं। जो GI क्लाउड, जो भारत सरकार एक क्लाउड बनाने की ट्राई कर रही है, उसका नाम क्या है, मेघराज। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी पूछा जा चुका है क्लाउड। एंड देन निवेश बंधु, कि किस तरह से इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, निवेश है ना, ये आप गेस भी कर सकते हो, निवेश कौन होता, निवेशक कौन होता है, इन्वेस्टर, तो उसको हेल्प करने के लिए। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है क्वाड ग्रुप, मुझे आज भी याद है जो हमने सबसे पहला प्रीमिक्स किया था 2018 प्रीलिम्स के लिए, उसमें क्वाड ग्रुप से शुरू किया था। तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल फिर से, क्योंकि रिपोर्ट इशू की है तो क्वाड ग्रुप में आपने बताना है कौन से मेंबर्स हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आंसर आना चाहिए करेक्टली। ओके, तो क्वाड ग्रुप के यहाँ पे कौन से इसमें से मेंबर हैं, तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, आपने बताना है इसमें से कौन से मेंबर्स क्वाड के हैं। आपके सामने ये रही ऑप्शंस, तो इनका राइट यूज़ कीजिए ऑप्शंस का एंड बताइए कि कौन से हैं क्वाड के मेंबर। तो दोस्तों आंसर इज 1, 2, 3, 4, बस चाइना ही तो नहीं है, चाइना को तो काउंटर करने के लिए बनाया। तो क्वाड बनाया कैसे गया था, जैसे कि एक बहुत से थिंक टैंक्स है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की कोई यूनिवर्सिटी एंड जापान की कोई फाउंडेशन एंड यूएसए की कोई फाउंडेशन, इंडिया के आपको पता है विवेकानंद जो इंटरनेशनल फाउंडेशन है VIF, इन्होंने मिलके एक ऐसा एक जो कमीशन सा बनाया था क्वाड, जिसको नाम दिया गया क्वाड्री पार्टाइट कमीशन ऑन इंडियन ओशन रीजन सिक्योरिटी। ग्रेजुअली ये क्वाड के नाम से फेमस होता गया एंड इसने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च की है ऑन IOR की स्टेबिलिटी, कि किस तरह से इंडियन ओशन रीजन को स्टेबल रख सकते हैं। इस पर और भी सवाल हम विद टाइम करते रहेंगे, IOR पर सवाल आते हैं बहुत सारे ऑलमोस्ट हर साल। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लगा क्वाड ग्रुप में चार मेंबर हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो ही यूएसए जी भी आ गए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर UPSC, हर बार आपके लिए हम कुछ लेकर आ रहे हैं ताकि जो प्रीवियस ईयर के कुछ चुनिंदा बेस्ट सवाल हैं वो तो हमें पक्का ही आते हों, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन तो गलत हो ही ना। ओके, आपने बताना है कि लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है पार्लियामेंट की, बहुत ही आसान सरल सवाल, लार्जेस्ट कमेटी पार्लियामेंट की, बिना ऑप्शन देखिए आंसर आपको पता होना चाहिए। एंड देन ये है क्या पब्लिक अकाउंट्स की, एस्टिमेट वाली कमेटी, या पब्लिक अंडरटेकिंग स्कोपू बोलते हैं वाली कमेटी, या पेटिशंस वाली कमेटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइए, आंसर इज एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, दैट इज द राइट आंसर। 30 मेंबर होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो पब्लिक अकाउंट वाली कमेटी के 22 मेंबर्स, 15 हमारे लोकसभा से, आधे 7 राज्यसभा से, ठीक है, 15 का आधा 7। देन सिमिलरली जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स के सिवा जो पब्लिक अंडरटेकिंग की जो हमारी कमेटी है कोपू, उसके भी 15 साथ ही सेम चीज है। देन एस्टिमेट्स के 30 के 30 मेंबर्स हमारे लोकसभा से हैं, ठीक है। एंड देन जो अंडरटेकिंग्स वाली मैंने बताया आपको 15 साथ, एंड देन पिटिशंस की 15 जो कि स्पीकर ही नॉमिनेट करेंगे। तो ये हमारे पास आपको बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ ये भी जान सकते हैं कि जनरली क्या कन्वेंशन है, कि इनका हेड कौन करता है, इसको हेड कौन करता है, एक्सेट्रा, क्या कन्वेंशन है क्या कन्वेंशन नहीं, कि जनरली ऑपोजिशन पार्टी के हेड होते हैं या नहीं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और देन आपने बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर जो एक प्रोटोकॉल जो आई थी कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कम किया जाए, तो उसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस मेंशन्ड हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। क्योटो कहाँ पर है, जापान में। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ, सॉरी, कौन सी हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड ऑप्शंस हैं आपके सामने ये ढेर सारी। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ऑप्शन नंबर 1 सभी में, चलो ये तो आपने सही गेस कर लिया। बाकी मीथेन ये भी सब जगह दिख रहा है हमको ऑप्शंस में, तो बाकी वाटर वेपर, डाइऑक्साइड, CFC ये हैं कि नहीं, सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर एक भी लेट से अगर आपको लगता है CFC है मान लो, तो ऑप्शन हमारा ऑल हो जाएगा। अगर लेट से आपको लग रहा है कि आपके पास लेट से 3 नहीं है या फिर 4 नहीं है, अकॉर्डिंगली ऑप्शन बदल जाएंगे। तो थोड़ा इस तरह भी ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आप आंसर थोड़ा अपनी किस्मत को बेटर कर सकते हैं। तो एंड इसका करेक्ट आंसर इज पहली 2 ही सिर्फ करेक्ट हैं, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस मतलब कि ग्रीन हाउस इसकी एबिलिटीज हैं, वार्म अप कर देता है एनवायरनमेंट को, ठीक है, एंड जो हीट या इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करके। लेकिन ये क्योटो में मेंशन नहीं है, ना ही नाइट्रोजन ऑक्साइड मेंशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। CO2 मीथेन तो ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, ये क्या करते हैं, ये ओजोन लेयर को बर्बाद करते हैं, जबकि HFCs क्या करते हैं, ये वार्म अप करते हैं, टेम्परेचर को गर्म करते हैं। एंड देन परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रो एंड परफ्लोरोकार्बन, जहाँ पर आपका यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, क्लोरीन से क्या होगा, ओजोन लेयर खराब होनी शुरू हो जाती है। देन उसके बाद सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, छठा ये हमारे पास है। ओके, चलो आखिरी सवाल करते हैं आज का। आपने बताना है इन ग्रुपिंग में से इंडिया किसका मेंबर नहीं है, नॉट, बहुत ही आसान सवाल, वासेनार, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इसमें से किसका मेंबर इंडिया नहीं है, बिना ऑप्शन देखे आपको आंसर आना चाहिए। अगेन ऐसे ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको आने चाहिए बिना कोई ऑप्शन देखे। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, सिर्फ 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, या सभी के सभी का मेंबर इंडिया नहीं है, ऑल ऑफ द अबव,
ठीक है, तो अपना आंसर मार्क कीजिए यहाँ पर, एंड करेक्ट आंसर इज ओनली थ्री, बाकी सभी का मेंबर है वासेनार, डब्ल्यू वासेनार से कैसे याद करने की ट्राई करते हैं। तो ये वासेनार एग्रीमेंट में क्या होता है, आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स टेक्नोलॉजी, उसको उसको कंट्रोल करना। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ए से याद करते हैं कैसे, ए बी सी डी बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या करता है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा एंड 500 किलोग्राम मारक क्षमता मतलब पेलोड के से ज़्यादा आप मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते उन कंट्रीज़ को जो एम टी सी आर का पार्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका पार्ट बन गया। तो ये इसी कारण से जो आपको मैंने रिपीट करता हूँ, मैंने पहले बताया था कि ब्रह्मोस जो इंडिया ने रशिया से टेक्नोलॉजी ली थी वो 295 किलोमीटर की थी, क्योंकि इंडिया एम टी सी आर का पार्ट नहीं था। अब इंडिया एम टी सी आर का पार्ट बन गया है, तो अब वो ब्रह्मोस को अपग्रेड करके 600 किलोमीटर तक ले जाने की बात कर रहे हैं। एंड ब्रह्मोस दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट मिसाइल्स में से एक है, इंडिया रशिया ने मिलकर बनाई थी। एंड देन एनएसजी में अभी इंडिया मेंबर नहीं है, तो न्यूक्लियर सप्लायर को लेके अभी दिक्कत है कि हमें न्यूक्लियर सामान टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स अभी इतनी आराम से नहीं मिल सकते बाकी न्यूक्लियर सप्लायर से, तो हमें परमिशन या एक्सेप्शन लेनी पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमने यूएसए से एक्सेप्शन ली थी, तो ये था आपके सामने छोटा सा हमारा एक तरीका, एक छोटा सा हमारा अटेम्प्ट आप सबको थोड़ा पुश करने के लिए, और मेहनत कीजिए चीज़ों के बारे में, और क्यूरियस रहिए, जानते रहिए, आपको प्रिलिम्स मेंस ये वो सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन और जानिए, गूगल कीजिए, विकिपीडिया कीजिए, वही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जो भी लगे पेक्यूलियर अच्छा पॉइंट लिख लीजिए कहीं पर, क्या पता याद रह जाए, है ना। तो यही करते रहना, क्यूरियस रहना है, क्यूरियस रहोगे तो पक्का ही पक्का आपके नंबर भी आएंगे। एंड टेस्ट करते रहिए, अगेन आई रिपीट, टेस्ट करना आपको, मतलब जो भी जिसके रैंक आए हैं सिलेक्ट हुए हैं, एक चीज़ जो सभी ने की है वो क्या किया है, टेस्ट किए हैं, रिपीटेडली टेस्ट किए हैं। तो व्हाट बेटर देन ज्वाइनिंग स्लीपी क्लासेस टेस्ट सीरीज, ऑल राइट, ठीक है। तो उससे हमें फ़ायदा भी होता है, आपको फ़ायदा भी होता है, तो डेफिनेटली एंगेजमेंट भी और बढ़ती है कि आप और हम और बेटर प्लेटफॉर्म पर जो और बेटर तरह से हम एंगेज कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, अभी तक नहीं कर रहे थे तो आज करनी शुरू करो, अभी करनी शुरू करो, क्योंकि लगता है ना कि बस अभी एक बस खाना खा लूँ उसके बाद पढ़ूंगा, एक बार आराम कर लूँ, एक बार मैच देख लूँ उसके बाद, क्योंकि कई बार लेटर बिकम्स नेवर, हो ही नहीं पाता, क्योंकि एक एक दिन ऐसे बोलते हैं ना कि दिन कटता नहीं एंड साल बीतते जाते हैं, तो वही एग्जैक्टली सेम चीज़ है कि दिन ऐसे लगेगा कि बस बस हो गया हो गया, अभी थोड़ी देर में पढ़ूंगा करूँगा, जबकि सालों के साल बीत जाते हैं, महीनों के महीने बीत जाते हैं, एंड पता लगता है कि अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट बीते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख लगती जा रही है दोस्तों। एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्ट के बिना रिजल्ट नहीं आएगा। वी आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, जैसे इतना तो ऐसा कई बार लगता है कि स्टूडेंट्स दे राइट इन टू अस कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी पुश मिलता है मेहनत करने के लिए, आप भी कीजिए, ठीक है। यही हमारा एफर्ट, यही हमारा सब कुछ अगर रंग कब लाएगा, जब आपके नंबर आएंगे, आपका रैंक आएगा, ऑल राइट दोस्तों, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।